हेलो दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में। दोस्तों आज किस टाइम पर दोस्तों मैं आपको बताने वाला दोस्तों कैसे दोस्तों आप अपने आईको के मोबाइल में दोस्तों फोटोज़ को हाइड कर सकते हो। दोस्तों अपने मोबाइल में आप फोटोज़ को हाइड करना चाहते हो, फोटो कैसे हाइड कर सकते हो, आज की वीडियो में दोस्तों ये बात करने वाला हूँ। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को शुरू करने से दोस्तों अगर आप चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा फोटोज़ को हाइड करने के लिए। दोस्तों अगर आपके पास ये फाइल है तो आपको इस गूगल फाइल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा इस गूगल फाइल में, और आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों। सबसे पहले आपको आ जाना है इमेज सेटिंग में, और उसको यहाँ पे आपकी जो भी फोटोज़ है, डाउनलोड फोटोज है दोस्तों, स्क्रीनशॉट है या आपके कैमराज फोटोज़ है, यहाँ पर आपकी सारी की सारी फोटो दोस्तों यहाँ पर शो हो जाएगी इस तरीके से। दोस्तों यहाँ पर आपको फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट वाले अपने आप यहाँ पर इसको शेयर करना चाहते हो नियर बाई डिवाइस से, तो यहाँ पर आप इसको शेयर कर सकते हो, और अगर शेयर नहीं करना चाहते तो मत करना। आपको यहाँ पे दिख जाएगा थ्री डॉट राइट साइड, इस पर क्लिक करने के बाद आप सारी फ़ोटोज़ को एक ही बारी में सेलेक्ट कर सकते हो। आप फोटोज़ को मूव कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, ऐड टू फेवरेट करना चाहते हो फेवरेट लिस्ट में आप रख सकते हो, और यहाँ मूव टू सेव फोल्डर तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाएगा चूज अलाउ। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक लॉक की ज़रूरत पड़ेगी, पैटर्न पिन। दोस्तों इन दोनों में से किसी एक पे आपको क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ पैटर्न, आप पिन भी यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों पैटर्न आपका 5 डॉट्स का होना चाहिए। अगर आप 4 डॉट्स पैटर्न यूज़ करते हो इस तरीके से देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे ये अवेलेबल नहीं है। दोस्तों इसको मैं 4 की जगह 5 कर देता हूँ, नेक्स्ट कर देते हैं, और यहाँ पर आपका लॉक स्क्रीन हो सॉरी दोस्तों यहाँ पर जो आपका फोटोज हाइड करने का पासवर्ड है वो सेट हो जाएगा, और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो सेव फोल्डर, तो इस पर क्लिक करेंगे। जो भी आपका डिवाइस पैटर्न है इसका सेव फोल्डर का यहाँ पे आपको ड्रॉ कर देना है, कि अगर आपने कोई पिन बनाया था तो उसको आपको पिन को एंटर कर देना है, और यहाँ पर आप अपनी हाइड फोटोज़ को चेक कर सकते हो। दोस्तों ये स्क्रीनशॉट हाइड है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट हाइड है मेरा, और ये मेरी कैमरा फोटोज़ मैंने हाइड कर रखी है अपने फ़ोन में। तो इस तरीके दोस्तों आप अपने फ़ोन में फोटोज़ को हाइड करके यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर आपको बताता हूँ फोटोज़ अनहाइड करने के लिए आप इनको 1 बाय 1 भी कर सकते हो। और यहाँ पर आप क्लिक करते हो 3 डॉट पे ऊपर वाले के ऊपर तरफ ऊपर की साइड में, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करोगे, और यहाँ पर आप इसको अगर डिलीट करते हो बाय मिस्टेक तो आप इसको वापस से रिस्टोर नहीं कर सकते दोस्तों, आपको परमानेंटली डिलीट करनी पड़ेगी। और यहाँ पर आपको मूव ऑफ टू सेव फोल्डर कर देना, और यहाँ पर आपकी जो फोटोज़ हाइड हुई दोस्तों ये वापस आ जाएगी आपके फ़ोन की गैलरी में। आप देख सकते हो फोटोज़ वापस आ चुकी है। दोस्तों इस तरीके से आप फोटोज़ को हाइड और अनहाइड करके यूज़ कर सकते हो आप अपने आईको के फ़ोन में। दोस्तों वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और एक खास बात दोस्तों, जब भी आप अपनी फाइल का क्लियर डाटा करोगे तो दोस्तों पहले आपको सेव फोल्डर से अपनी फोटोज़ और वीडियोज़ को हटा लेना है, क्योंकि दोस्तों क्लियर डाटा करने के बाद आपको जो सेव फोल्डर दोस्तों वो आपके फ़ोन में नहीं रहेगा, वो डिलीट हो जाएगा, आपको इसको वापस से बनाना पड़ेगा। दोस्तों कुछ इस तरीके से आप फोटोज़ को हाइड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।